हेलो एंड वेलकम टू हार्टी कर्नर्स। हार्टी कर्नर के टेस्टी कर्नर में आप सबका स्वागत है। आज की रेसिपी है पटाटो कैप्सिकम ड्राई करी। ये एक सूखी सब्जी है जो कि टिफिन बॉक्स में देने के लिए आइडियल है। इसे आप राइस या रोटी के साथ खा सकते हैं। आइए देखें इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, इस तरह से स्क्वायर शेप में कट कर लिया है मैंने। दो मीडियम साइज के पटाटोस लिए हैं जिसे मैंने पील करके इस तरह से चौकोर टुकड़ों में कट करके धो के रख लिया है। दो मीडियम साइज के कैप्सिकम लिए हैं जिसका बीज निकाल के इस तरह से चौकोर टुकड़ों में कट करके रखा है। तीनों चीज़ें हमें इक्वल क्वांटिटी में चाहिए। दो हरी मिर्च मैंने बीच में से चीरा लगा के रखा है। नमक स्वाद अनुसार ले लें। एक बड़ा चम्मच मीट मसाला पाउडर चाहिए। 1/4 टीस्पून टर्मरिक ले लें। 1 टेबलस्पून टमाटो सॉस लिया है मैंने। और हमें चाहिए ऑयल कुकिंग के लिए और थोड़ा सा जीरा हमें चाहिए तड़काने के लिए। कढ़ाई को खूब अच्छे से हाई हीट पर आप गरम कर लें। कढ़ाई गरम हो जाए तो उसमें हम ऑयल डालेंगे। मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ 2 टेबलस्पून। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी इसे पका सकते हैं। तेल खूब अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद हम इस पर डालेंगे 1/4 टीस्पून जीरा और क्यूमिन सीड्स, 2 हरी मिर्चें। तो जीरा अच्छे से तड़क जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे ओनियंस। प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक ये पूरा खुल ना जाए और ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। हमें इसे लाल नहीं करना है। हाई हीट पर ही इसे भूनते जाए। अच्छी तरह से भून जाएगा और थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, पिंक कलर आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें कैप्सिकम डालेंगे। कैप्सिकम को भी तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका पानी निकल के सूख ना जाए, ऑयल सेपरेट ना हो जाए और कैप्सिकम का जो रॉनेस है वो चला ना जाए। तो बस अच्छे से भूनने के बाद देखिए तेल अलग होने लगा है। ये एक झटपट बनने वाला करी है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे पटाटोस और आलू। मिक्स करने के बाद हमें कम आंच पर इसे पकाना है। तो मैंने आंच को एकदम सिम पर रखा है। अब हम नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे और मीट मसाला डालकर इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी नहीं डालना है हमें, ऑयल में ही ये पूरा कुकिंग हो जाएगा। सब्जियों में से जो स्टीम से पानी निकलेगा उसी में ही वो कुक होगा। तो हमें इसे ढककर, कम आंच पर ढककर पकाते रहना है 10 मिनट तक और आलू अच्छे से कुक होने तक हमें इसे पकाते रहना है। तेल में ही भुनेगा तो आलू का भी एक क्रस्ट जैसा बन जाएगा, थोड़ा सा ब्राउन दिखने लगेगा आलू। ढककर पकाते रहिए जब तक ये पूरा पक ना जाए। ये बहुत ही चटपटा, तीखा चटपटा बनने वाला एक सब्जी है। आप चाहें तो इसे जर्नी में भी ले जा सकते हैं, बहुत टाइम के लिए ये रहेगा क्योंकि ऑयल में ही बन रहा है, हम पानी ज़्यादा इसमें नहीं कर रहे हैं। सूखी सब्जी है तो टिफिन बॉक्स में देने के लिए भी बहुत ही अच्छा है। देखिए आलू अच्छे से मैश हो रहा है, मतलब ये पूरी तरह से पक चुका है। अब बारी है टमाटो सॉस डालने की। आलू जब तक अच्छे से ना पके आप सॉस मत डालिए।
आलू पूरा अच्छे से पक जाए तब आप सॉस डाल के 2 मिनट और इस तरह से भून लें और ढककर पका लें ताकि सॉस सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे ही सब्जी से ऑयल सेपरेट होने लगे आपकी सब्जी तैयार है। एंजॉय विथ राइस और रोटी। थैंक यू।